हेलो, कनिजास रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन मोजीटो। इन दिनों तरबूज बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए आज हमने ये रेसिपी चूज की है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने मोजीटो बनाने के लिए 2 किलो का तरबूज लिया है, पर हमें इसका आधा पार्ट यूज करना है। लगभग 1 किलो तरबूज हम यूज करने वाले है। तरबूज अंदर से अच्छा लाल होना चाहिए, इससे मोजीटो दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो आप लेते वक्त थोड़ा ध्यान से लीजिए। तरबूज का हरा छिलका हटाकर लाल पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, ताकि मिक्सर जार में अच्छी तरह से बारीक हो जाए। उसके बाद तरबूज के टुकड़ों को 1 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दे। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी बना सकते हैं। मैंने इसे 1 घंटे तक फ्रिज में रखा था। ठंडे होने के बाद इसके रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। मोजीटो बनाने के लिए हमें थोड़े पुदीना के पत्ते लेने, लगभग आधा कटोरी। एक नींबू को हमने गोल गोल स्लाइस करते हुए काट दिया है और 7 से 8 बर्फ के टुकड़े। एक नींबू का रस भी लिया है, 2 चम्मच शक्कर का पाक लिया है। आप पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने पाक लिया है। मोजीटो में प्लेन सोडा वाटर ही मिलाया जाता है, पर मुझे जीरा वाटर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जीरा सोडा वाटर लिया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप एक मिक्सर का पॉट ले लीजिए। मैंने एक जार लिया है। मैंने यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। आप मिक्सर का यूज कर लीजिए या हैंड ब्लेंडर, जो आपके पास अवेलेबल है वो। मिक्सर का जार ले लीजिए, उसमें 10 से 15 पुदीना के पत्ते ऐड करें। और थोड़ा सा नींबू का रस, 2 चम्मच शक्कर का पाक ऐड कर लीजिए। उसके बाद तरबूज के टुकड़े ऐड कर ले और अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करते वक्त मैंने इसमें और भी चीनी ऐड की है। एक ग्लास ले, उसमें पाउडर चीनी या अपनी नॉर्मल चीनी ऐड कर ले। 4 से 5 पुदीना के पत्ते और नींबू के स्लाइस ऐड कर ले। और आधा ग्लास जो हमने पीस लिया है मिक्सचर, वो ग्लास में ऐड कर लीजिए। अब इसमें 4 से 5 टुकड़े बर्फ के डाल दीजिए। अब इसमें सोडा वाटर ग्लास भरने तक ऐड करें। तो लीजिए, हमारा वाटरमेलन मोजीटो तैयार है। हमने 1 किलो तरबूज लिया था, उसके 3 ग्लास वाटरमेलन मोजीटो बना है। यह रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव कनिजास रेसिपी पे शेयर कीजिए। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।